पतंग। बच्चे पतंग लेकर एक पार्क में इकट्ठा हुए हैं। देखो मेरी पतंग कितनी सुंदर है, यह लाल रंग की है। मेरी भी पतंग बहुत सुंदर है, यह गुलाबी रंग की है। मेरी पतंग नारंगी रंग की है और इसमें जामुनी रंग का गोला बना है, तो यह तुम दोनों की पतंग से ज्यादा सुंदर हुई। मेरी पतंग पन्नी की बनी है, यह तुम्हारी कागज की पतंग से बेहतर है क्योंकि यह बारिश में भी नहीं भीगेगी। क्या तुम्हें इसके सभी रंगों के नाम पता है? सारे तो नहीं पता है। चलो सब मिलकर कोशिश करते हैं इसके सारे रंगों के नाम ढूंढने की। यह सूरजमुखी के फूल जैसा रंग पीला है। यह कौवा जैसा रंग काला है। यह त्रिभुज स्याही जैसे नीले रंग का है और यह बैंगनी जैसा रंग बैंगनी है। यह वाला रंग गुलाब के फूल जैसा है, इसे गुलाबी कहते हैं। यह संतरे जैसा रंग नारंगी है। यह मिट्टी जैसा रंग भूरा है, चॉकलेट का रंग भी तो ऐसा ही होता है। अरे छोटी सी चौकोर आकृति सफेद रंग की है और ये फूल जैसी आकृति हरे रंग की है। अरे चलो अब पतंग उड़ा ली जाए, रंग तो हमने बहुत देख लिए। मेरी पतंग सबसे ऊपर जाएगी, देख लेना। चलो अभी देखते हैं, मेरी पतंग सर सर करके सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगी। सभी बच्चे एक एक कर अपनी पतंग उड़ाने लगते हैं। वह देखो मेरी नारंगी पतंग के पास एक कबूतर उड़ रहा है। मुझे पतंग ऊपर करनी होगी, नहीं तो उसे चोट लग जाएगी। अरे तुम परेशान मत हो, वह कबूतर अभी नीचे आ जाएगा। मेरे पास तो पतंग ऊपर ले जाने के लिए धागा कम है, लगता है और धागा जोड़ना पड़ेगा। कमल तुम्हारे पास तो कितनी सारी धागे की गुच्छी है। मेरे पास तुम सबसे ज्यादा धागा है और रंग भी कई हैं। इन धागों के साथ मैं अपनी पतंग को सबसे ऊपर ले जाऊंगा और तुम्हारी पतंग नीचे रह जाएगी। मेरी पतंग से कोई अपनी पतंग लड़ा रहा है, मैं क्या करूं? तुम भी पतंग लड़ाओ, नहीं तो इसकी डोर कट जाएगी। लो कट गई मेरी पतंग। अरे राजू तुम्हारी पतंग तो वह दूसरी मंजिल वाले घर के अंदर चली गई, तुम वहां जाकर उसे ले सकते हो। ले तो सकता हूँ, पर अभी वह अंकल अपने घर से बाहर गए हैं। जब वे वापस आएंगे मैं तब पतंग ले पाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। इन लोगों को अपनी अपनी पतंगें उड़ाने दो, हम पार्क में और कुछ खेल लेते हैं। हाँ चलो अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे नई पतंग के साथ। राजू और सूरज सबको अलविदा कहकर झूलों की तरफ चले जाते हैं और बाकी सब अपनी पतंगों को उड़ाने में लग जाते हैं।